नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। मोबाइल जो कि हमारे आम दिनचर्या को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, ये आज हम बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डीएन से बात करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि अभी मोबाइल जो बच्चे ज़्यादातर यूज कर रहे हैं और खेल कम रहे हैं, जब देखिए मोबाइल बच्चे यूज कर रहे हैं तो उससे उनकी मानसिक स्थिति पर, आंखों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आजकल मोबाइल तो बच्चों में बहुत ही ये वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है और सारे गार्जियन अपने समय को बचाने के लिए, अपने काम को इजी होने के लिए बच्चों को मोबाइल हैंडल कर देते हैं। बहुत इजी वे वो कर देते हैं, उनको अपना टाइम मिल जाता है, लेकिन बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। एक तो बच्चे मोबाइल जब देखते हैं तो अपने टाइप का कॉन्टेंट्स नहीं देखते, दूसरा उसको स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। इन सब होने से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कि बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो माइलस्टोन डेवलप होना चाहिए, जो उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि जो जो इंटरेक्शन बाकी टीचर्स या क्योंकि मोबाइल वन वे कम्युनिकेशन है, बाई वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो जो बच्चों अपने सेम उम्र के बच्चों से जो इंटरेक्ट करते हैं और उससे जो सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस जो उसमें काफ़ी फास्ट रहता है, तो वो इसमें नहीं हो पाता है। दूसरा कि ज़्यादा टाइम जब मोबाइल पर आप देंगे तो बाकी के इन्वायरमेंट से कटे रहेंगे, तो अपने आप में वो रहेंगे तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि या तो ऑटिज़म या ऑटिस्टिक डिजॉर्डर्स या ADHD वगैरह डिजॉर्डर उन पर ज़्यादा हावी हो जाता है और वो उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो मुश्किल ये है कि उनका मेंटली जो ग्रोथ होता है वो बहुत हैम्पर हो जाता है मोबाइल से, क्योंकि बच्चे ऐसे चीज़ होते हैं ना कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उनमें आपको उनकी लर्निंग एबिलिटी ऐसी होती है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वैसा होता है, वो इन्वायरमेंट से ही सीख रहे होते हैं। पर आपने एक मोबाइल दे दिया, एक पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया, मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं वो अपनी उनकी इच्छा अनुसार है। वो ज़्यादातर मोबाइल में वो सब चीज़ें देखते हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि माइंड ऐसा उनका होता है ना कि जो चीज़ सीखनी चाहिए, जो चीज़ एक वे में ले जानी चाहिए जो पॉजिटिव होगा, उस पर उनका ध्यान या ऑटोमेटिक जाता नहीं है, तो ऐसे चीज़ों का स्क्रॉल करके ले जाते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल फ्रूटफुल नहीं होता है। तत्कालिक उनको लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके फ्यूचर लाइफ के लिए, जो उनके मेंटली और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादातर वो देखने से और खेल कम रहे हैं और मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनकी मेंटली जो है वो चिड़चिड़ापन जो कहते हैं वो ज़्यादा हो जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि वही तो है, अगर एक मोबाइल में ज़्यादा वो अगर उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो बाकी लोगों से या बाकी इन्वायरमेंट से कटे रहेंगे, तो वो उसमें कुछ आपको बताया ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा हमेशा वो डिप्रेसिव मूड में रहेगा, उसका स्लीप डिसऑर्डर, उसको स्लीप जितना होना चाहिए वो स्लीप नहीं वो अचीव कर पाएगा, तो अपनी मतलब कि सो नहीं पाएगा बढ़िया से, तो उसका सोने से तो बहुत चीज़ों का मेंटली और जो फिजिकली ग्रोथ भी होता है। और दूसरा है कि आप फील्ड में नहीं गया, बच्चा फील्ड में नहीं गया तो बच्चा यही टेबल पर बैठे हुए या बेड पे बैठे हुए मोबाइल में देख रहा है, घंटों देख रहा है, तो उसमें ओबेसिटी अपने आप में ये बहुत बड़ा कारण हो गया है मोबाइल बच्चों में ओबेसिटी का, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म हो गया, आपने उसको काट दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स उनको दे दिया तो कट गया ना, तो बच्चा ओबेस हो गया। अब ओबेसिटी का अपना एक दुष्परिणाम है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो जाने से फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, और मेंटली तो बहुत ही इससे असर पड़ता है, क्योंकि इसके बहुत सारे जैसे कि मोबाइल से बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, माइक्रोवेव से रेडिएशंस निकलते हैं, वो भी असर करते हैं। तो वो ज़्यादा टाइम अगर रहते हैं आप डिस्प्ले पे तो वो आपको उसका बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हो सकता है कभी कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई ग्लियोमा, ये सब का चीज़ डेवलप हो जाए। तो हम लोग पूरी जो ये चीज़ें हैं बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट को समझ में भी आता है, लेकिन उस चीज़ को वो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि बस न्यूक्लियर फैमिली होता है, मदर्स को अपना काम करना होता है, वो पेरेंट बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश वो दे देते हैं, अब एक बार जब दे देती हैं तो एडिक्शन हो जाता है तो आप उसको सडनली अब्रप्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो उसका नेगेटिव। सर, कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें बच्चे ज़्यादातर मोबाइल देखने से उनकी आँखों पर प्रभावित हो रहा है, आँख ब्लिंक वो कम कर पाते हैं, तो मतलब देखने में भी उन्हें। हाँ जरूर, देखिए मोबाइल, उसके देखिए इन सब चीज़ों को बचने के लिए, देखिए ब्लिंकिंग एक्टिविटी जो ऐसी एक्टिविटी है जो कि इनविटेबल नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए,
इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, जैसे कि बहुत ज्यादा आंखों को ब्लिंक करना, एक जगह स्टेयर करना, ऊपर की ओर, हाँ ऊपर देखना या टेढ़ा होना, ये सब तो उसका मतलब, लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे आप इसको कट करेंगे, धीरे धीरे कट ऑफ करेंगे, मोबाइल देना उसको कम करेंगी, तो ये आप ये करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मोबाइल को बच्चा इस्तेमाल करता है तो आंखों अपना इंटरेस्ट है, और ये भी उसे नहीं पता है कि उसको क्या मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बड़े हैं, हम लोग को ये नहीं, जब हम लोग उस पर कंट्रोल कर पाते तो बच्चों से तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि क्या दिखाना है, क्या देखना है, कितने देर देखना है, क्या जरूरी है, एक कंटेंट उसको लिमिट करना और ये डिसाइड करना उनके पेरेंट्स का। आपके अनुसार एकदम जरूरी है। देखिए अभी बच्चों की, बच्चों में आप अगर चाइल्ड में बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, तो चाइल्ड का बहुत एज ग्रुप है, जैसे कि बहुत छोटा, फिर टोडलर, फिर प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, इस तरह के बच्चे हैं। तो जैसे स्कूल गोइंग बच्चों का तो अपना कुछ उनको समझ होती है, आप तो उनको मोबाइल का ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है। लेकिन छोटे बच्चों में जो टोडलर्स हैं या फिर जो इन्फेंसी में, मतलब 1 ईयर के चाइल्ड हैं, उनको तो आप मोबाइल बिल्कुल ही ना दें। वो तो आप अगर उनको मोबाइल दे रहे हैं तो गार्जियन आप तो हैं, हम मानते हैं इस बात को कि बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन आप सही नहीं कर रहे, एक तरह से क्राइम है वो। सर आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, तो अभी तक ज्यादातर स्कूल तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहिएगा कि किस तरह से मोबाइल से अपने आप को बचाव कर सकें? ऑनलाइन क्लासेस करने वाले बच्चों को देखिए, अभी मोबाइल तो इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है, पर ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने ड्यूरेशन होते हैं, 40 मिनट्स, 1 आवर्स, उसके बाद उनका ब्रेक होता है दूसरा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ब्रेक ब्रेक लेकर कर सकते हैं मोबाइल से। तो इसमें तो आप, अब जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें तो मोबाइल से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बड़े बच्चों के, नहीं पलक झपकाने के लिए कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है मेडिकल से। आप अपने आंखों को, जबकि आपके आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, तो आप रिलैक्स हो जाइए, स्क्रीन ऑफ हो जगह से हटिए, क्योंकि फोन देखते हैं तो लगातार बिना पलक झपकाए लोग देखते रहते हैं। हाँ तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस तो ऐसे बच्चों को है जो कि उनको कुछ समझ होती है, तो उन बच्चों में तो जब भी उनके आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है उनको बिल्कुल रिलैक्स होना होगा। अगर 40 मिनट्स का क्लासेस है तो, या 45 मिनट्स की क्लास है, 1 आवर है, उसके बाद फिर रिलैक्स होना होगा, लीजर करना होगा। आंखों में ऐसा कुछ नहीं है कि आप आंखों को कम झमकाएं, कम या ज़्यादा झमकाएं, तो उनका क्लास इतना 45 मिनट्स का रहेगा तो करेंगे ही, बीच बीच में उनको तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा, आंखों को आराम देनी ही पड़ेगी। तो आपने सुना कि फोन तो हमारे लिए जरूरी है, हालांकि वो हमारे लाइफ को आसान बना देती है, लेकिन बच्चे अगर इससे जितना ही हो सके उतना दूरी बनाए और वो अपने आप को बिजी रखें खेलने और कूदने में, क्योंकि फोन ज्यादा देखने से उसकी जो रे निकलती है उससे उनकी मानसिक स्थिति को ज्यादा प्रभावित करती है। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ, धन्यवाद।